दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NIS ऑनलाइन हब में। और मैं विक्रम प्रत्येक अपडेट के साथ बना रहता हूँ NIS डिलीट ब्रिज कोर्स से रिलेटेड और अदर गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड। तो प्रिय शिक्षक और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो इसमें बात करने वाले हैं कि अगर आपका जो है ए बी नहीं हट रहा है, ए वाई सीट नहीं हट रहा है, तो उसके लेकर एक जो है कल हम एक पेपर जो है आपको बताए थे कि जो पटना से निकाला हुआ था कि पेटीएम के थ्रू से जो हो रहा था कि वो फेक निकला था, उसका ही वहाँ पर जो है पेपर में जो है NIS रीजनल सेंटर पटना से वो जो है जारी किया था। और यहाँ पर एक ऑफिशियली लेटर आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ जो आप देख रहे हैं कि 100% आपका जो है सुधर जाएगा। और कैसे सुधरेगा यहाँ पर, चलिए हम लोग अब अपडेट बढ़ते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक जो है लेटर निकला हुआ है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यहाँ पर देख सकते हैं ये कोई फेक न्यूज नहीं है दोस्तों, ये डायरेक्ट जो है रीजनल सेंटर से ये जारी हुआ है और ये जो है पटना से जारी हुआ है। अगर आपका जो है रिजल्ट जो है AYSYCIT कुछ भी आपका लगा हुआ है तो आपका सुधार हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर रीजनल सेंटर से एक लेटर जारी किया गया है और ये लेटर जो यहाँ पर देखा जाए डेट तो यहाँ पर 27/5/2019 का है, यानी लेटेस्ट है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पत्रांक संख्या है। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रेषक डॉक्टर चुन्नू प्रसाद, सहायक निर्देशक NIS ललित भवन भूतल पटना 8/0001 करके यहाँ पर लेटर जारी हुआ है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं सेवा में अध्ययन केंद्र समन्वयक डीलेड NIS बिहार। और दोस्तों ये बिहार का है, वो अभी हर एक स्टेट का भी इस तरह का अब जारी करेगा। और आप लोग का सभी का जो है AB AY CT और ये सब जो है TL में जो प्रॉब्लम आ रही है, आपका सभी का समाधान इस वीडियो में है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसको भी पता चल जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विषय, यहाँ पर विषय विषय लिखा हुआ है कि NIS द्वारा संचालित डीलिट कोर्स के छूटे हुए सत्रीय कार्य, यानी जो सत्रीय कार्य होता है TMA एवं 511, 512, 513, 514 यानी प्रैक्टिस के संबंध में महाशय, इसमें कहा जा रहा है महाशय। तो अगर आपका इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है 511 में, 512 में, 513 में, 514 में, तो आपने इस सब को आप सुधार सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो वीडियो में बने रहे, क्या करना है आप लोग को, चलिए वीडियो में बने रहे। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं उपरोक्त उपरोक्त विषय अंतर्गत अवगत करना है कि डीलिट प्रशिक्षुक जिन्हें सत्रीय कार्य एवं उपरोक्त विषय की मूल जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर अवगत कराया जा रहा है कि प्रशिक्षुओं को जिसके सत्रीय कार्य एवं एवं WSBA WBA एवं PT के अंक प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आपका जो है सत्रीय कार्य में अगर कहीं पर ए भी लगा हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, ये 500 जो है 511 से लेकर 514 तक में यानी SBA WBA एवं PT के अंक प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें दिनांक 1/6/2019 से, यानी आपको जो है 1/6/2019 से 15/6/2019 के बीच उपरोक्त विषय की मूल कॉपी जो है यानी जो इसका हार्ड कॉपी जो है एवं 1500 रुपया के ड्राफ्ट सेक्रेटरी NIS पेबल एट पटना के साथ क्षेत्रीय केंद्र पटना को जमा करेंगे, तभी उसके परिणाम में अंक जो है जोड़ा जा सकेगा। इस संबंध में NIS मुख्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 20/5/2019 का अवलोकन करें।
और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक जो नोटिस निकला था 22 तारीख को इसके, तो दोस्तों ये नोटिस यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो 22 तारीख एक नोटिस जारी हुआ था दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इसी नोटिस का यहाँ पर बात यहाँ पर किया जा रहा है। जो यहाँ पर 22 तारीख को एक नोटिस जारी किया गया था कि अगर इवोल्यूशन डिपार्टमेंट तक अगर ये सब नहीं पहुँचता है तो उसका रिजल्ट जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1500 रुपया यहाँ पर। तो ये जो है हेड ऑफिस से ही जारी हुआ था रिजल्ट से पहले ही दोस्तों। तो आप जो है हर एक स्टेट अलग अलग अब आप जो है इस तरह का एक लेटर जारी करेगा और वहाँ पर जो है आपका सभी का समाधान यहाँ पर रिजल्ट्स में जो आए हैं, यानी WB, SBA और PT में जो आपका रिजल्ट AB शो हो रहा है या SYC कुछ भी शो हो रहा है, तो आप 1500 रुपया और आपने हार्ड कॉपी दोस्तों, तो हार्ड कॉपी अपने स्टडी सेंटर से निकाल ले और अपने रीजनल सेंटर में एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पर सेक्रेटरी NIS पेबल की एट पटना के नाम पर 1500 रुपया का, और उस पर आपको रीजनल सेंटर में आपको जमा करना है। अगर आपका जो है मान लीजिए अगर आपका जो है ये WBSBA PT का जो है अगर कॉपी नहीं मिल रहा है हार्ड कॉपी आपके स्टडी सेंटर में, तो आप बना लीजिए क्योंकि अभी आप लोग के पास बहुत टाइम है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 15/6/2019 तक आप इसको जमा कर सकते हैं अपने रीजनल सेंटर में, अपने क्षेत्रीय कार्यालय में। यहाँ पर आपको यहाँ पर फी देना पड़ेगा 500 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इस तरह का यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस निकल के आया है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह का अपडेट आया है। तो ये यहाँ पर अभ्यर्थी को फर्जी ईमेल भेज कर ठग रहा था, तो इसी पर यहाँ पर जो है यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय ने सतर्क किया था कि हमने तो ऐसा कोई यहाँ पर नहीं यहाँ पर किया था जैसा कि हम कल बताए थे आप लोग के बीच। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पत्रांक संख्या जो जारी किया था 20 तारीख को ही, उसमें बताया गया था अगर आपका जो है रिजल्ट के बाद अगर आप यहाँ पर जमा करते हैं तो आपको 1500 रुपया पर कॉपी के हिसाब से आपको वहाँ पर जो है आपको देना पड़ेगा रिजल्ट के बाद अगर आप करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा ही ऐसा बात नहीं कि आपका अकेले लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं 1.92 का रिजल्ट जो यहाँ पर रोका गया है, और यहाँ पर दोस्तों तो ये जो है 100% ही आपका भी रिजल्ट सुधर के आ जाएगा। तो आपने जो है रीजनल सेंटर जो है अपने रीजनल सेंटर में जो है इसको इस पर एक ड्राफ्ट बनाना है 1500 रुपया का, और आपको जो है एक यहाँ पर उन्हें दिनांक इतना के यहाँ पर 1/6 से ये जो है काम स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर WBSBA PT किसी भी अगर मार्क्स अगर छूटा हुआ है तो आप वहाँ पर सुधार पाएंगे दोस्तों। तो आई होप वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों एक लाइक कर दे, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी नए अपडेट में फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।